व्यूअर्स ये हैं सासा नोनू ब्लॉग्स के डायरेक्टर शशांक गुप्ता। बर्फ तो बहुत पहले से पड़ रही थी लेकिन इनके आने के बाद से और थोड़ी तेज हो गई है। भाई मजे आप हैं एट जय श्री केदार, टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो। भाई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था देखने जा रहे हैं, बुकिंग तो हो नहीं पाई ऑनलाइन बट देख रहे हैं क्या पता ऑफलाइन ही मिल जाए। फाटा पे आए हैं, इसके पास पास फोटो लेना मना है। फाटा पे अपने भैया गुरुजी ऑफलाइन मिल जाए यार, हो जाए इंतजाम। हाँ जी सरकार, तुम लोगों में देखता हूँ कैसे भागम भागो। हाँ भोगी यहाँ ना कोई भी भैया आगे भैया आगे, तो इन्होंने मना कर दिया हेलीकॉप्टर के लिए। और हमारे साथ हो गया है लोचा। क्या हो गया सोम भाई? लोचा ये कुछ अलग बताते हैं। और हेलीकॉप्टर देखो कहाँ खड़ा है, हेलीकॉप्टर नहीं था वो खड़ा छत पे, अभी दिखाता हूँ। देखो मेरे पीछे कहाँ रहा, वो रहा वो रहा, पंखड़ी दिख रही है बस, आप लोग देख लो अगर दिख जाए तो। और अभी गुरु जी व्यवस्था बना रहे हैं, मना कर दिया भाई ऑनलाइन करो कह रहे हैं यार, ये तो गलत बात है यार। चलो देखते हैं भाई, कुछ इंतजाम तो करेंगे ही और बताते रहेंगे आपको कैसे सिस्टम है। सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी भाई। हेलीकॉप्टर ढूंढते ढूंढते हेलीकॉप्टर उतर आए। भर्ती उड़ान के दार बाबा के लिए ये देखो भाई पहाड़ के पीछे से जाएगा, ये देखो कहाँ गया है भाई, कौन क्या हो रहा, सॉरी पहाड़ के पीछे नहीं भाई इधर ही है। सोन प्रयाग में गाड़ी खड़ी करके भाई अपन लोग चल दिए हैं गौरीकुंड, सबकी पैकिंग हो गई है बैग पैक्स। ये रे भाई आ भैया, जय श्री केदार जय श्री केदार जय श्री केदार। एक भाई तो बोल ही नहीं पा रहे, इतना राशन तोड़ते हैं और कहते हैं मैंने कुछ खाया नहीं। ये रे देखना बैग, देखो भाई ऐसे लाए जैसे किसी की शादी, देखो एक बैग है शादी भी वाला, इसमें इनके कोट पैंट है और इसमें इनके वो है क्या है भैया इसमें आगे वाले बैग में खाने में मगन है, ये कुछ नहीं बोल पा रहे। हाथ में नमकीन का पैकेट। हमारे शुभम भाई है ना, लोचा कर दिया इन्होंने, अपना फ़ोन एक दुकान पे छोड़ा है और यहाँ से कम 8 किलोमीटर पीछे अभी गए हैं लेने। वो भी भले आदमी थे, अंकल को कॉल करी उन्होंने अटेंड करके बता दिया कि भैया यहाँ पर रह गया, क्योंकि भाई आजकल लोग लगे रहते हैं तो कैसे बताया, आदमी फ़ोन ही नहीं कर सकता। तो हमने जब कॉल करी उन्होंने बता दिया, अब यहाँ वेट कर रहा हूँ शुभम भाई का। अभी ना भैया गुरु जी को भेज दिया है रूम के लिए कि भैया आप लोग गौरीकुंड पहुँच के रूम लो, यहाँ भोले बाबा के चरणों में मैं वेट कर रहा हूँ। शुभम भाई ने फ़ोन तो ले लिया है, बस उनका इंतजार है, आने में आते ही अपन भी चल देंगे गौरीकुंड। जय श्री राम जय भोले की। भाई गौरीकुंड आकर अपना भोजन कर रहे हैं, डिनर रात हो गई है, गौरीकुंड आते आते फुल अंधेरा हो रहा है। और गुरु कौन सा भाई, कौन सा धर्मशाला भाई है होटल दीपक, भोजन भी आ गया, थालियां अपनी अपनी बैठो भैया भी आ गए। और अभी मैगी आने वाली है भाई की, भाई एक एक थाली और लाओ हमारी, ये सलाद ला दो यार थोड़ी बहुत। जय श्री केदार जय श्री राम जय भोले की भाई, हर हर महादेव जय। सुबह गौरीकुंड में तैयार होकर अपने चल दिए केदार बाबा के लिए हम दो भाई ट्रैकर, जो करेंगे पैदल ट्रैकिंग, और दो भाई खच्चर टाए टाए फिस कैसे करेंगे हम दो भाई, भाई काजू खाएंगे टॉप अटॉप जाएंगे। बोल शंकर भगवान की। अभी दो भाई क्लॉक रूम में
बैग रखने गए हैं और उनके आते ही चलते हैं। जय भोले भाई लोगों, हमारे दो भैया भी आ गए हैं क्लॉक रूम में सामान रख के। बोल शंकर भगवान की जय। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। यार टोपा बड़ा ढीला और आज ठंड हो रही है एक नंबर। रात को था -3 degrees। जय श्री श्याम, जय भोले की, हर हर महादेव। गुरु जी की भाई ये है केदार बाबा यात्रा के लिए पद यात्रा का गेट। जय श्री केदार यात्रा 2023। जीव हत्या एवं पशु यात्रा के महापाप से बचें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। महापाप सॉरी। वाह शुभम भाई, वो देखो भाई वो छोटे छोटे पहाड़ों में वहाँ बैठे हैं भोलेनाथ। अभी तो बहुत दूर जाना है भाई। यहाँ हो तो भाई खच्चर पे मत बैठना यार। लोग कहते हैं कि इन्हें भी तो दाना पानी मिल रहा है, दाना पानी तो इन्हें मिले गई। बड़े बुजुर्गों के लिए बने जवान जवान लोंडे। अभी दिखाऊंगा भाई दो हमारे जवान जिगरी खच्चर पाएंगे अभी। जय भोले की, हर हर महादेव। जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो सुबह सुबह चालू हो गया। देखो आप लोगों को दिखाऊँ हेलीकॉप्टर की सुविधा। हम भी सोच रहे थे बट खच्चर पे नहीं यार, हेलीकॉप्टर पे तो चला जाता मैं तो खच्चर पे नहीं। ये देखो सुबह सुबह 6 बजे शुरू होगा भाई। मौसम साफ है ना, कितनी ऊंचाई पे भाई रे। 6x जूम करने के बाद भी आ रहा था, दिख रहा था। शुभम भाई जय भोलेगी, जय भोलेगी। कैसा लग रहा है आपको पैदल जाते हुए? बहुत अच्छा। बाबा के दरबार पूरा पैदल ही चलना आपको मेरे साथ? बिल्कुल। दोनों भाई बाबा की कृपा रहेगी, बाबा के दरबार में पैदल ही दर्शन करेंगे यार। बिल्कुल बिल्कुल। खच्चर तो बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे 12 की जगह 2 बजे पहुंचे पर खच्चर नहीं करना भाई। सब सुविधा ला रखे भाई, कपूर अपूर। खाने पीने के लिए तो भाई पैसा होना चाहिए जेब में, सब खा लो। खच्चर वच्चर यार क्या बेजुबानों पर चढ़ के जाओ। चल रहे हैं कर, क्योंकि हमें तो लग रही है गर्मी। दोनों भैया भाई बैठे हैं हमारे और दो बंदों का इंतजार है जो हमारे खच्चर पे आ रहे हैं। जवान लोंडे दो खच्चर बैठ रहे हैं। दो खच्चर का इंतजार है जो आदमियों के ऊपर बैठ कर रहे हैं। वाह कैसे करेंगे वो। दिखाया था मेन गेट पे, दोबारा दिखा रहा हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगा यार ये। पैदल यात्रा की तपस्या की चुनौती को स्वीकार करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भोले की। ये देखो हाँ, तो आप लोगों को इन वादियों के पीछे जाके बैठे हैं मेरे भोलेनाथ। जय श्री केदार, बहुत बढ़िया। जय बाबा की, एक नंबर नज़ारा है। बाबा का धाम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या भैया क्या चाहिए? जिसको चाहे ऊपर के जाने के लिए जवानी वो खाओ हमारा तरबूज खीरा नींबू पानी। आ जाओ आ जाओ भैया, जिसको चाहिए ऊपर जाने के लिए जवानी वो खाओ भैया के हाथ के नींबू पानी। तरबूज रास्ते में अटकते रह जाओगे, आ जाओ। तरबूज खीरा नींबू पानी, भाई ने कितनी कैडी बात की। जय भोले की। वो अट्टे देखो बोले चेहरा दिखाओ, जब ये आ रहे हमारे भाई लोग खच्चर पे। भाई एक नंबर बर्फ ऊपर कतई जहर मजेदार।
डीजे लेके चल रहे हैं। फिर आप भी ठुमके दिखा दो। अच्छा वापसी में नहीं होता। भाई रास्ते में लगी है भूख। भूख क्या मतलब शुभम भाई और मैं हैं दो गुरुजी और अभिनव भैया तो चले गए हैं खच्चर पे। मैगी चल रही है, थारे भाई की फेवरेट है मैगी, और दो चाय। चाय गरम भाई। दिल खुश हो गया ये चीज़ देखकर यार, वो भी केदार बाबा पे एक नंबर। बैठे थे वहाँ, बैठे हैं मेरे बाबा बर्फ पानी वाले बाबा। वो देखो बर्फ ही बर्फ बेटे, भाई वाह। अच्छे से बना वीडियो यार। अभी पानी बहुत मतलब 8 किलोमीटर नीचे से तो आए हैं, और अभी देखो 8 से ज्यादा ही जाना है। देखो वो ए, वो दिख रही बिल्डिंग सी लाल सी। भाई मेरा जूम भी फेल हो गया, चलो दिखता रही है वहाँ तक जाना भाई। 6x जूम भी फेल हो गया देखिए। ओ भाई बाबा भी बहुत दूर ही जाके। जय भोले की, जय श्री राम भाइयों। देखना यार कितनी दूर से आए हैं पैदल ट्रैकिंग करते हुए केदार बाबा की यात्रा। और ये और अभी इतना ही और जाना, देखना कितनी दूर है भाई। ओ भाई तो देखना अभी इतना ही दूर और जाना है। दिखाता हूँ आपको तो भाई, है ना कितनी दूर आके बसे हैं भाई। खैर बाबा तो शांति में आए थे, हम लोग यहाँ लगे शांति फैलाने यहाँ। अरे जा रही पब्लिक देखो ये, कोई नहीं भाई हम तो पैदल जाएंगे। भाई अगर आप कभी भी केदारनाथ आओ ना यार, कुछ नहीं उससे 2 महीने पहले अपना वॉक वगैरह करनी शुरू कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम आराम से पहुँच जाएंगे। अरे देखना कितना रिस्क रहता है, देखो ये देखो शक्ल देखो सबकी, ये देखो भाई जब भी खुश हुआ जब जाओ। और देखो और देखो अगर यहाँ से गलती से भी गिरा तो आदमी कहाँ जाएगा, सीधे वहाँ। तो भाई कुछ नहीं करना आप लोगों को, ओए भैंस की आँख। डेली मतलब 2 महीने पहले से अगर आप वॉक वगैरह करनी शुरू कर दोगे ना,
तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है भाई। थारा भाई तो डेली कम से कम 5 किलोमीटर की वो करता वाले की कृपा से, दिक्कत ही नहीं सोम भाई। बिल्कुल जायज बात, परेशानी थोड़ी है, कुछ भी नहीं। थोड़ा लेट पहुंच जाओगे यार, लेट है। बेजुबानों पे चढ़ के जवान लड़के, नए नए जवान लोंडे आजकल इतने खत्म हो रहे हैं, बताओ क्यों? क्योंकि चलना फिरना है नहीं। ये देखो ये हमारे भालू हैं। अरे नहीं यार, ये भी तो पैदल पैदल वो कर रहे हैं ट्रैकिंग। देखो मतलब इन जैसों के लिए है, देखो बड़े बुजुर्गों के लिए। ये माता जी हैं, बट ये भी रिस्की तो है। लाइट ने वो टैग है, बाबू जी हैं। ये देखो भैया पे खुद भी गिरता भी है। जाने दो ना, जाने दो, दे तुम चुप ही रहो। अरे नहीं, ये घोड़े निकल जाए जल्दी चलेंगे भाई। ओके भाई, आपको ऐसे ऐसे भाई भी मिलेंगे एडवेंचर करते हुए, पत्थर पे बैठे हुए और रिस्की मामला। कोई इच्छा है भाई उनकी? भीड़ तो है बट ठीक ठाक है। बाबा की कृपा से जैसे लास्ट चल रहा है। देखो अब आ गए हैं बड़ी लिंचोली, वहाँ से आ रहे हैं भाई। वे वो रहा रास्ता बैठते ही यार, कैमरा भी कैसे कर पा रहा देखना यार। ये हेलीकॉप्टर सुबह से बैक टू बैक, बैक टू बैक चल रहे हैं। हमारे शोभम भाई ने बहुत लंबी ट्रैकिंग साथ में की है, बट लास्ट में जब कुछ ज़्यादा ओवर हो गया तब इन्हें खच्चर की जरूरत पड़ी है। मैं मानता हूँ कि बहुत कोई दिक्कत नहीं है, पर 90% ट्रैकिंग इन्होंने भाई ने मेरे साथ पैदल करी है, मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैडम रो रही, पता नहीं क्यों। सोम भाई जय बोले की, कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मुझे अच्छा लगा, आधे से ज़्यादा ट्रैकिंग भाई ने मेरे साथ पैदल करी। कोशिश है मद्द खुदा वहाँ जाना है भाई, बहुत लंबा है भी। मैंने खुद कहा है कि भैया खच्चर कर लो तो ही ठीक है, देखना बहुत दूर है यार, ऐसा नहीं है, आसपास में देखना। अब तुम्हारा भाई जाएगा पैदल टॉपर टॉप, टॉपम टॉप बोलेगा बख्तम। तो भैया हमारे तो नसों में भोले बाबा बसते हैं, हम तो टॉपम टॉप जाते हैं। जय भोले की, हर हर महादेव, जय श्री केदार। इस बार तो लग्न बहुत कम पानी है भाई, जल देखना सूखी सी पड़ी है। यहाँ भी पहले बहुत पानी पानी रहता था, सब सूखा पड़ा है। बाबा की कृपा से बहुत अच्छा मौसम है, सब एक नंबर। ये देखना ओ भाई क्या व्यू है, देखना। तो हम जहाँ से चले थे गायब हो गया, दिख रहा पूरा मेरे पूरा भाई, कितने ऊपर जाके बैठे मेरे भोलेनाथ। देखना हम भी आ गए वहाँ तक, ओफ आँख भार है। ये देखना भाई, गधे का भी नाच ही कर दिया मैंने। देखना बेचारा थक के कैसे लेट गया है। ये है बेस कैंप भाई, अब जाके सुबह से भागम भाग भागम भाग में अब जाके हेलीकॉप्टर नीचे हुए हैं। देखना यार सबसे ऊपर ही थे, पर हम भी कम नहीं है भाई, मेरठ के देसी हमने पैदल ही ऊपर कर नीचे कर दिए। देखा जा बेटे, हम भी आ लिए तेरे पीछे ही, हम भी बाबा के भक्त हैं भाई। फुल बर्फ हो रखी है भाई, फुल देखना, और ऊपर पहाड़ों पर पड़ी हुई है। ये देखो यार तुम्हें दिखा देता हूँ थोड़ी बहुत देर बाद, ये कोहरे में छुप जाएगी भाई सब बर्फ। देखो कितनी कैडी लग रही है बेटे, बेटे की जान, बुढ़ा जवान। अब हेलीकॉप्टर का लास्ट चल रहा होगा, क्योंकि अब देखो धुंध धुंध लगी है, काफ़ी कोहरा टाइप हो गया है। अरे एक और हेलीकॉप्टर अभी आया, अभी चल गया।
कोई आ गया तो उसने उधर को ले गया, उसने समझे हो रहा। ये देखो एक में दो है, वाह भाई वाह, शाशा नोनो ब्लॉग भाई, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, लाइक शेयर करें वीडियो। भाई देखो वैसे चले हुए पूरी ट्रैकिंग करके, अलग ही मजा आ गया, पूरा व्लॉग देखना। देखो ऊपर आते ही स्नोफॉल होने से दिल ही खुश हो गया भाई, बाबा की कृपा अपरंपार, जय भोले की, हर हर महादेव, बस शंकर भगवान की। व्यूअर्स ये हैं सासा नोनू ब्लॉग्स के डायरेक्टर शशांक गुप्ता। बर्फ तो बहुत पहले से पड़ रही थी लेकिन इनके आने के बाद से और थोड़ी तेज हो गई है। भाई मजे आप हैं एट जय श्री केदार, टेम्परेचर ऑलमोस्ट जीरो, सर्दी तो बहुत है लेकिन लग नहीं रही बाबा के दरबार में आने के बाद लग नहीं रही, स्नोफॉल होता बाबा के तेज ने हर सर्दी को काट दिया है, बस अब सिर्फ और सिर्फ बाबा बाबा और बाबा ही दिख रहे हैं। जय श्री केदार, बर्फ ही बर्फ अभी जस्ट मेरे सामने ही पड़ रही थी, स्नोफॉल हो रहा था फुल, एक नंबर भाई देखना, जय भोले जी।